विजयदशमी के पर्व पर ना सिर्फ भगवान राम की पूजा और रावण का दहन होता है, बल्कि ये पर्व दुर्गा विसर्जन, वाहन के खरीदने और पूजने, शस्त्र की पूजा, शमी की पूजा और जया विजया की पूजा के लिए जाना जाता है। वैसे तो इस दिन किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दशहरे को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन फिर भी पंचांग की दृष्टि से आप तमाम चीजों के लिए शुभ मुहूर्त जान सकते हैं। आइए आपको दशहरे के दिन का विजय मुहूर्त, रावण दहन और दशहरे की पूजा आदि का शुभ समय बताते हैं। हिंदू मान्यता ये कहती है कि श्रद्धालु को दशहरे की पूजा से पहले देवी का पूजन और विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद ही भगवान राम की विधि विधान से फल फूल धूप दीप भोग आदि लगाकर पूजा करनी चाहिए। विजयदशमी के दिन नवरात्रि के कलश का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए, ताकि पूरे साल देवी दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर बना रहे। अब आपको ये बताते हैं कि कब और कैसे करें शस्त्र की पूजा। दशहरे के दिन भगवान राम की पूजा के साथ शस्त्र पूजा का भी विधान है। आप दूसरे विजय मुहूर्त यानी सूर्यास्त के बाद जब आसमान में तारे दिखने लग जाएं, तब कर सकते हैं। इस दौरान आपको तन और मन से पवित्र होकर अस्त्र शस्त्र साफ करने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर उसकी हल्दी चंदन रोली आदि से तिलक करके पुष्प चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दीप जलाकर अपने सुख सौभाग्य की सुरक्षा की कामना करनी चाहिए। उधर हिंदू मान्यता ये भी कहती है कि सिर्फ शमी का पौधा सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य और विजय का आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। इस पौधे की पूजा दशहरे के दिन करने पर कई गुना फल की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता ये कहती है कि ये पौधा शनि दोष दूर करने समेत तमाम तरह की बाधाओं से इंसान को बचाता है। अगर कोई शख्स दशहरे पर इसकी पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका विजय से पहले शमी के पौधे की पूजा की थी। अब आपको ये बताते हैं कि कब और कैसे करें दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन। हिंदू मान्यता कहती है कि माँ दुर्गा की नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा करने के बाद 10वें दिन उनका विधि विधान से विसर्जन किया जाता है, ताकि वो अपना आशीर्वाद बरसाती हुई खुशी खुशी अपने लोक को लौट जाएं। अगर आप मंगलवार के दिन देवी दुर्गा का विसर्जन नहीं करना चाहते तो आप सूर्योदय के बाद उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अब आपको जया और विजया देवी की पूजा का महत्व बताते हैं। हिंदू मान्यता ये कहती है कि दशहरे के दिन जया और विजया देवी की खास तौर पर पूजा होती है। मान्यता है कि दशहरे के दिन इन दोनों की पूजा करने पर उनका शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय और सफलता मिलती है। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय पाने के लिए जया विजया देवी की पूजा दशहरे के दिन जरूर की जानी चाहिए।